ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਥਾ? ਇਹ ਸਰ ਸਵੇਰ 9:30 ਕੇ ਬੀਚ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਲਗਭਗ। ਇੱਕ ऑटो आया जिसमें 4-5 सवारी बैठी थी, वो लाइट पॉइंट पे रुका तो वो अनकॉन्शियस होके गिर गया, तो जिसके कारण सवारियां बैठी थी वो एकदम घबरा गई, इसको क्या होगा। हम नज़दीक खड़े थे, हमने जाके देखा तो वो बिल्कुल बेहोश हालत में था, तो हमने भाग के देखा तो मैंने आइडिया लगाया, मैं कहा इसको पक्का अटैक आया होगा, तो मैंने उसको जल्दी से सीधा लिटाया और उसको फटाफट CPR दी। 5-7 मिनट तक हम उसको CPR देते रहे तो उसने थोड़ी सी आँखें सी खोली और फिर उसको थोड़ा सा हमने पानी पिलाया और फिर हम उसको हॉस्पिटल तक उसको भेजा हमने। क्योंकि बहुत जरूरी है प्रवीण, क्योंकि CPR अगर मौके पे दी जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है CPR, इसके बारे में बताएंगे सर? CPR की ट्रेनिंग देखो, हमें जो पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें भी सिखाया गया है, इसके अलावा हमारी रूटीन में भी जो कोर्सेज होते रहते हैं, इससे पहले जैसे मैं पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी सिखाया गया था, उससे पहले मेरी पोस्टिंग PCR में रही है वहाँ पे भी सिखाया गया है, ट्रैफिक में भी रूटीन ये कोर्सेज हमारे पुलिस कर्मियों के चलते रहते हैं। यानी कि वो ठीक है बिल्कुल जो ऑटो रिक्शा? हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर चला गया जी, डिस्चार्ज हो गया। यानी कि जेकर उस टाइम नहीं होता तो काफी मुश्किल हो सकती थी अगर? हाँ जी, अगर मौके पे हम उसको अच्छे से ना संभाल पाते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। हाँ जी, ये बड़ा हादसा हो सकता था, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी अगर हम मौके पर उसको ना बचाते। बहुत जरूरी है रंजीत जी, क्योंकि जिदा प्रवीण कुमार ने कहा कि CPR या इस तरह की ट्रेनिंग तो लगातार कंटिन्यू मिलती रहती है, क्योंकि तुसी कंटिन्यू रोड ते रहते हो, लोगों की आवाजाही, लोगों की जी किस तरह की प्रॉब्लम का देखा, जैसे कल हादसा होया ऐसे सानू पहले भी क्लासा लगती रहती है, जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे डे बाय डे बताया जाता है, ऐसे करके CPR देने प्रवीण कुमार ने दसा कि बिल्कुल, क्योंकि एमरजेंसी सी, उन्हें अटैक आया सीगा और अटैक दे चलते अचानक उदी जिहड़ा ओ गिर गया। हालांकि जिदा इन्होंने दसा कि उस तो नाल दे नाल ही प्रवीण कुमार ते उन्हां दी जिहड़ी टीम है ओ मौके ते खड़ी सी, ट्रैफिक ट्रैफिक पूरी रेगुलेट कर रही सी, लेकिन जद उन्होंने देखा कि ए परसन जिहड़ा है ओ अनकॉन्शियस है, इस तो बाद नाल दे नाल ही उसनू CPR दिती गई है। और बहुत अहम हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है कि इस टाइम दे विच जेकर इस तरह की चीजा दिती जावे तो बंदा बिल्कुल सेफ है। हालांकि हुण जिहड़ा भी आटो ड्राइवर है वो बिल्कुल सेफ है, नाल दे नाल उन्हूं हॉस्पिटल लैके जाया गया सी, हॉस्पिटल दे विच उन्हूं ट्रीटमेंट, और डॉक्टर ने भी यह गल कही कि जेकर इसनू CPR नहीं दिता जाता तो उसकी जान भी जा सकती सी।